मेरी मूवी खेसारी जी के साथ है। सबसे ज़्यादा मूवी मैंने किया है जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, एक्टिंग लाइन में आई हूँ। उनके साथ मेरा बापजी मूवी आया, आशिकी आया है जी। उसके बाद बोल राधा बोल, ये फरिश्ते लगा है, प्रेम की पुजारन है, गॉडफादर अभी मैं करके आई हूँ, संघर्ष 2 आ रहा है और अंदाज फिल्म उनका है। खेसारी लाल यादव के साथ तो इतना फिल्म कर चुके हैं, पवन सिंह जी के साथ अब दोबारा कब नजर आने वाली हैं? पवन जी के साथ भी मैंने एक फिल्म किया है, अयोध्या में शूट हुआ था बट उसमें लॉकडाउन का वो था, वो रुका हुआ है जी। तो वो कंप्लीट होगा तो वो भी आएगा और देखिए फिर कब काम मिलेगा तो जरूर करेंगे। अब जहाँ काम आ रहा है खेसारी जी याद कर रहे हैं तो कर रहे हैं काम उनके साथ। मैम भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी, आपकी कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? महाराज इसमें अगर किसी भी कलाकार से पूछेंगे कि आपको सामने कलाकार खड़े तो उसमें से कौन अच्छा है तो कौन बोलेगा कि मेरे लिए ये अच्छा है ये बुरा, हम भी तो कलाकार हैं जी। तो हमारे लिए तो दोनों सबसे पहले पवन जी को ही जानते हैं, हम पवन जी को सुन रहे थे बचपन से ही, सुनते चले आए हैं, सीनियर भी हैं हमसे, अच्छा गाते हैं, भगवान उनके तो साक्षात सरस्वती जी का आशीर्वाद है। सिंगिंग भी है, एक्टिंग भी है, मूवी में भी काम करते हैं तो पवन जी भी हैं अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। नमस्कार, मैं विष्णु, आप देख रहे हैं भोजपुरी फैन क्लब और आज हमारे साथ भोजपुरी की गायिका निशा तिवारी जी हैं। कैसी हैं मैम? हम अच्छे हैं। आपका कौन सा चैनल है? भोजपुरी फैन क्लब। भोजपुरी फैन क्लब के सभी श्रोतागण दर्शकगण को मेरा प्रणाम और उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग ठीक हैं। हाल ही फिलहाल में एक फिल्म लॉन्च हुआ है फरिश्ता मूवी, आप उसमें नजर आ रही हैं, कुछ बताइएगा उस फिल्म के बारे में। हाँ, वो खेसारी जी का फिल्म है जी। और साउथ की एक अच्छी एक्टर हैं मेघा श्री जी, वो हैं उसमें लीड कैरेक्टर में और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, अमित शुक्ला जी हैं, बहुत सारे लोग हैं तो वो बहुत अच्छी मूवी है। मैंने भी उसमें लीड कैरेक्टर हीरोइन है, उनकी माँ का कैरेक्टर मैंने किया हुआ है जी। तो अच्छी मूवी है, उसमें खेसारी जी का एक अलग लुक आया है, एक पागल का कैरेक्टर उन्होंने जो बखूबी निभाया है, वो उसमें दर्द भी है, इमोशन भी है, कॉमेडी भी है और एक्शन मूवी भी है, सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, मैं काम की उसमें जी, लेकिन अभी भी लगा हुआ है वो पटना में, हर जगह लगा है ऑल इंडिया। मैम अभी आप भोजपुरी में किन किन हीरो के साथ काम कर चुके हैं, किन किन हीरो के फिल्म में काम कर चुकी हैं? हम भोजपुरी में किसको बताएं कि हमने किसके साथ काम नहीं किया है। मैंने पवन जी के साथ काम किया, खेसारी जी के साथ काम किया, यश मिश्रा के साथ काम किया, दिनेश जी के साथ काम किए, अंकुश राजा जी के साथ काम किए, गुंजन जी के साथ काम किए, गोलू राजा, गोलू गोल्ड और जितने भी मतलब भोजपुरी के जो स्टार लेवल में जाने जाते हैं, मैं हर किसी के साथ मैंने काम किया। आनंद मोहन बाबा जी के साथ मैंने काम किया और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी तो सबके साथ मैंने एक दो फिल्में की हैं जी। सबसे ज़्यादा मेरी मूवी खेसारी जी के साथ है, सबसे ज़्यादा मूवी मैंने किया है जब से मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ, एक्टिंग लाइन में आई हूँ। उनके साथ मेरा बापजी मूवी आया, आशिकी आया है जी। उसके बाद बोल राधा बोल, ये फरिश्ते लगा है, प्रेम की पुजारन है, गॉडफादर अभी मैं करके आई हूँ, संघर्ष 2 आ रहा है और अंदाज फिल्म उनका है जिसमें बिग बॉस में गई थी आशी खान, बॉलीवुड की है, उसमें खेसारी जी उसमें मेरा लीड कैरेक्टर है, सेकंड लीड। अच्छा। मैंने हीरोइन का कैरेक्टर किया है और वो भी फिल्म आ रही है तो जो जबान पे है और दिनेश जी का। मैम खेसारी लाल यादव के साथ तो इतना फिल्म कर चुके हैं, पवन सिंह जी के साथ अब दोबारा कब नजर आने वाली हैं? पवन जी के साथ भी मैंने एक फिल्म किया है, अयोध्या में शूट हुआ था बट उसमें लॉकडाउन का वो था, वो रुका हुआ है जी, तो वो कंप्लीट होगा तो वो भी आएगा और देखिए फिर कब काम मिलेगा तो जरूर करेंगे। अब जहाँ काम आ रहा है खेसारी जी याद कर रहे हैं तो कर रहे हैं काम उनके साथ। अच्छा। मैम बोला जा रहा है कि फरिश्ता मूवी जो आया है, मतलब भोजपुरी में ऐसा पहली बार ऐसा फिल्म बनकर आया है। अभी इनका जितना भी मूवी आ रहा है वो सबसे हट के है जी, उसमें लैंग्वेज तो भोजपुरी ज़रूर है लेकिन आपको सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू, एक्शन मूवी भी है, अभी संघर्ष 2 फुल एक्शन मूवी, बहुत गजब की मूवी है वो और
अभी जो हम लोग गॉड फादर करके आ रहे हैं, इसमें खेसारी जी का एक अलग अंदाज आपको दिखेगा। उसमें मैंने उनकी माँ का कैरेक्टर किया है गॉड फादर में जी। और जस्ट यही 19-20 फरवरी से मैं मार्च फिर मैं करने जा रही हूँ सोनभद्र में, जिसके डायरेक्टर हैं नीरज रणधीर सर। ये खेसारी जी का मूवी है अवैध, जो बहुत पहले ज़माने में होता था, हथियारों का बिजनेस जो भी था इस टाइप का कुछ मूवी है। उसमें भी उनकी माँ का कैरेक्टर मैं करने जा रही हूँ अभी 20 तारीख से। तो उनकी अभी जितनी मूवी आ रही है सब में आपको एक अलग चीज़ देखने को मिलेगा, सबसे जो अभी आम तौर पे भोजपुरी में नहीं देखने को मिल रहा है। तो फरिश्ते तो समझ लीजिए उस हिसाब से अभी बहुत कम है, उससे भी बड़े बड़े लेवल की मतलब मूवीज़ बन रही हैं उनकी। मैम, भोजपुरी में पवन सिंह और खेसारी लाल हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी, आपकी कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? महाराज, इसमें अगर किसी भी कलाकार से पूछेंगे कि आपको सामने कलाकार खड़े हैं तो उसमें से कौन अच्छा है, तो कौन बोलेगा कि मेरे लिए ये अच्छा है ये बुरा, हम भी तो कलाकार हैं जी। तो हमारे लिए तो दोनों, सबसे पहले पवन जी को ही जानते हैं हम, पवन जी को सुन रहे थे बचपन से ही, सुनते चले आए हैं, सीनियर भी हैं हमसे, अच्छा गाते हैं, भगवान उनके तो साक्षात सरस्वती जी का आशीर्वाद है। सिंगिंग भी है, एक्टिंग भी है, मूवी में भी काम करते हैं। तो पवन जी भी हैं अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं, और खेसारी जी हैं वो भी अपनी जगह पे, वो मतलब कॉमेडी भी करते हैं, एक्शन मूवी भी करते हैं, इमोशन सीन भी करते हैं, और मतलब सिंगिंग भी उनका जो है सब कुछ ट्रेंडिंग पे ही जा रहा है। तो हमारे लिए तो ये दो लोग तो हैं ही, और इसके अलावा भी जितने भी सिंगर हैं आर्टिस्ट हैं सब हमारे लिए एक बराबर हैं, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं जी। कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैम, हाल फिलहाल में 15 तारीख को कल यानी दुबई में अवार्ड शो था और हमारे पवन सिंह को 10 अवार्ड मतलब मिला है, उसके लिए आप कितना बधाई देना चाहती हैं? उनको जितना बधाई दूँ उतना कम है। पवन जी जहाँ रहें हम वहाँ पर, तो 10 अवार्ड समझ लीजिए कुछ भी नहीं है उनके लिए जी। उनको तो डेली एक अवार्ड एक दो अवार्ड मिलना चाहिए, वो इस लेवल के हैं। और ये जो मिला है इसमें बहुत समझ लीजिए लेट भी हुआ है, ऐसे अवार्ड उनको हमेशा मिलने चाहिए। और जो भी है हम, उनका तो सॉन्ग ऐसा ऐसा है ना कि भगवान न करे लाइफ में, लेकिन आज पवन जी हैं कल नहीं भी रहेंगे, फिर भी उनका जो सॉन्ग है वो लाइफ टाइम चलता रहेगा। आज हम सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी सुनेंगे, उनके बच्चे भी सुनेंगे, तो ऐसे ऐसे गाने भी उनके हैं। तो हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट दिया है मार्केट में, कोई भी सुन सकता है, अच्छा लगता है। मैम, हाल फिलहाल में पवन सिंह बलिया स्टेज प्रोग्राम करने गए थे और प्रोग्राम के दौरान उनको कोई पत्थर से मार दिया था और उसी पर खेसारी लाल यादव ने बयान दिया था कि उनका ससुराल है उनसे कोई मजाक कर दिया होगा। देखिए, ये मजाक का चीज़ नहीं है, और ये पब्लिक के बीच से कुछ अपने ही होते हैं जो दुश्मनी निकालते हैं जी। और जिसने भी ये किया, अगर कल उनके साथ हुआ है तो सबके, आज हम हैं एक नॉर्मल इंसान जो होता है, उसके चार दोस्त उसमें दो दुश्मन भी निकल जाते हैं, सबके कोई सबका अपना ही नहीं होता है। तो वैसे चाहे वो पवन जी हों, खेसारी जी हों, कोई भी ऑल टू जेड, तो सबके कुछ दोस्त दुश्मन हैं, तो उस पब्लिक के बीच में कोई अपना ही है जो वो दुश्मनी निकाला है। पब्लिक ऐसा कभी नहीं कर सकती, पब्लिक आज भी उनको मानती है, पूछती है, और चाहे पवन जी हों खेसारी जी को भी पब्लिक मानती है, लेकिन अगर उसमें एक पत्थर चला है तो वो ज़रूर किसी का साजिश है, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी कलाकार, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं ये पब्लिक को बोलूँगी कि आप लोग नोटिस करिए कि आप लोग के बीच से ऐसा काम कौन कर रहा है। जब वहाँ पत्थर चला तो वीडियो में आपने भी देखा होगा कि कोई कह रहा है पीछे से कि खेसारिया के फैन हुई, खेसारिया के फैन हुई। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, ये सब देखिए ना, खेसारी जी उनके दुश्मन हैं, न पवन जी उनके दुश्मन हैं, ये सब जो कुछ लोग हैं आम लोग कीड़े मकोड़े जैसे आगे पीछे घूमते रहते हैं ना, ये उन लोग का काम है जो इन लोग का नाम यूज़ करता है कि ऐसा गलती ये लोग करेगा, और क्या बोलेगा कि ये खेसारी जी करवाए होंगे, उनके पास कुछ होगा तो ये पवन जी करवाए होंगे। रियलिटी तो अलग ही है, कुछ सबको पता है, लेकिन बस इन लोग का नाम यूज़ किया जा रहा है। ये लोग इतने बड़े दुश्मन नहीं है कभी एक दूसरे की जान लेने के पीछे पड़ेंगे पत्थरबाजी। अब इतना रोड छाप खेसारी जी भी नहीं है, उनको अगर झगड़ा करना होगा, मारना होगा, पीटना होगा, क्या वो पवन जी से बात नहीं करते? दुश्मनी निकालना होगा तो आमने सामने निकालेंगे, पत्थर फेंकवाएंगे, ये इतना छोटा बच्चे हैं, वो पत्थर मरवाएंगे किसी को?
तो मैम जाते जाते कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, अपकमिंग फिल्म के बारे में बता दीजिए कि और कौन कौन से फिल्म मतलब आने वाले हैं। हाँ, अभी तो फरिश्ते लगा हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट अभी शिवरात्रि में मेरा एक फिल्म रिलीज हुआ है, महिमा बाबा बैजनाथ धाम की जी। बहुत अच्छी मूवी है। और इसके बाद एक बहुत बड़ी मूवी रिलीज होने वाली है खेसारी जी का, संघर्ष 2, आपने सुना होगा जी। उसका टीजर ट्रेलर सब आया हुआ है यूट्यूब पे, बहुत ही धांसू फिल्म है। तो उस फिल्म में भी मैंने काम किया है, तो वो फिल्म रिलीज होगी तो मैं चाहती हूँ कि हर कोई उसको देखिए और अपना प्यार दुलार दीजिए। उसके बाद लगातार उनकी जितनी भी मूवी आ रही है उस सब मूवी में आप हमको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैम भोजपुरी में इतना तो बढ़िया फिल्म आ रहा है, लेकिन जैसे होता है कि साउथ फिल्म में कि सब किसी का अगर फिल्म आ रहा है तो साउथ में जितने भी हीरो हैं या एक्टर लोग हैं तो मिलकर समर्थन करता है, भोजपुरी में हमारे भोजपुरी में कोई समर्थन नहीं करता है किसी एक फिल्म का। हाँ, ये बात तो है, लेकिन अब इसके लिए क्या करेंगे, सबकी अपनी अपनी सोच है, समर्थन तो करना चाहिए, चाहे वो छोटा कलाकार का प्रोजेक्ट हो चाहे बड़ा कलाकार का प्रोजेक्ट हो, सपोर्ट तो हर किसी का चाहिए हर किसी को जी। क्योंकि बाहर में एक कलाकार का सपोर्टर दूसरा कलाकार ही होता है, हम लोग का यही लाइफ है और यही परिवार है। तो यही बात है ना, जिसको नहीं मिल पा रहा है सपोर्ट वो पीछे रह जा रहा है, जिसको मिल रहा है वो फ्रंट पे आ जा रहा है जी। तो बस सपोर्ट हर किसी के प्रोजेक्ट को, हर एक कलाकार के साथ खड़े रहिए, क्योंकि लक कब किसका कहाँ ले जाए कोई नहीं जानता। तो कल को इंसान बोल सके कि चलिए अगर हम आज यहाँ हैं तो इनके बदौलत हैं, नाम लेने लायक रह जाए, ये ना हो कि हमको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं अपने दम पे आई हूँ, तो थोड़ा ये अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हर किसी को सपोर्ट करिए, हर किसी का साथ दीजिए, हर कलाकार को। तो ये थे हमारे साथ भोजपुरी की गायिका निशा तिवारी जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।